विपक्ष विजय सिन्हा जी, फिर से बिहार में क्या अपहरण का दौर शुरू हो गया? छपरा में एक आरजेडी के नेता को उसके घर से पिस्तौल के बल पर उठा लिया गया, स्कॉर्पियो से। देखिए, अभी डॉक्टर संजय का अपहरण का गुत्थी सुलझा नहीं कि छपरा में वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी तरह से ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी के गोद में बैठ गया है। जंगल राज से भी दो कदम बढ़कर ये गुंडा राज में तब्दील हो रहा है। अब मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र के तरह बैठकर सत्ता और कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं, सिद्धांत को छोड़कर आरजेडी के हवाले कर दिए हैं और आरजेडी अब सड़क से सदन तक गुंडा राज स्थापित कह रही है कि आप 6 महीने पहले थे तो आपको अपहरण नहीं दिखता था, अपराध नहीं दिखता था और आज आप इसलिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी लगाम लगाता था सदन के अंदर, हम भी अध्यक्ष थे, लगाम लगाते थे, भ्रष्टाचारियों पर कमेटी गठित करते थे, अपराधियों के बारे में बोलने का मौका देते थे, गिरफ्तारी की बात करते थे। निश्चित तौर पर पूरे बिहार हत्या अपहरण लूट बलात्कार का शिकार हो रहा है, ये व्यापार चालू हो गया। सत्तारूढ़ दल के ही नेता अपहृत हो रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के नेता और सत्तारूढ़ के संरक्षण में हो रहा है। तो देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि बिहार में वो दौर शुरू हो गया है जिसकी बार बार चर्चा होती थी, अपहरण का दौर, राजद के नेता का अपहरण, और इसको लेकर बीजेपी अब सरकार से ही पूछ रही है सवाल कि सत्ता के संरक्षण में ही सत्तारूढ़ दल के क्या नेताओं का हो रहा है अपहरण। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।